ਬੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ढेर सारी खबर एक ही वीडियो में लेके आए हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते चलें जबलपुर इतवारी वाया शहडोल ट्रेन के बारे में। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में एक बैठक हुई है, उस बैठक में बताया गया कि केंद्र में भाजपा सरकार को 9 साल की उपलब्धियां बताने के लिए भाजपा द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर आदिवासी अंचल शहडोल को नागपुर के लिए सीधी ट्रेन का सवाल प्रमुखता से उठा। इस सवाल के जवाब में स्थानीय भाजपा विधायक जय सिंह मारवी ने चुप्पी साध ली तो भाजपा जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने कहा कि इसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। इस चर्चा में केंद्र में मोदी व प्रदेश में शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया गया कि बीते 9 वर्ष में भारत ने कई ऊंचाइयां हासिल की हैं। ये भी बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना हर पल देश को महाशक्ति बनाने के लिए समर्पित कर दिया। आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। बताया गया कि भाजपा सरकार में शहडोल जिले को अनेक सौगातें मिली है, ऐसा चर्चा के दौरान बताया गया। तो फिलहाल आपको बताते चले कि शहडोल को नागपुर के लिए सीधी ट्रेन पर विधायक ने चुप्पी साध ली, बल्कि भाजपा के जिला अध्यक्ष बोले हैं कि मिलकर प्रयास करेंगे तो संभव जरूर होगा। इनके लिए आपको बताते चले कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में फिर से ट्रेनों की लेट लतीफी शुरू हो गई है, यानी कि बिना वजह ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। बीते दिनों अभी यह स्थिति थी कि योग नगरी ऋषिकेश से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 24 घंटे की देरी से चल रही थी। ऐसे में मायूस यात्रियों ने रेलवे पर नाराजगी जाहिर की। इनके अलावा आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए थोड़ी सी अहम जानकारी आई है। रेलवे ने ट्रेनों में 3rd AC की जगह 3rd AC इकोनॉमिक को जोड़ना शुरू कर दिया है। इसी के चलते पश्चिम मध्य रेलवे की 12 जोड़ी ट्रेन में 3rd AC इकोनॉमिक का एक कोच स्थायी रूप से बढ़ाने का निर्णय रेलवे ने लिया है। इन 12 जोड़ी ट्रेनों में ये कोच अक्टूबर से लगाए जाएंगे, जिसको लेकर रेलवे के कई विभागों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताते चले कि 3rd AC में 72 सीट होती है, वहीं AC 3rd इकोनॉमिक में 80 सीटें होती हैं। इसके किराए में करीब 5-6% का अंतर भी होता है, ज़्यादा किराया सस्ता नहीं होता है, मुश्किल से 100-200 रुपये ही डिफरेंस में आते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको बता दें कि किन किन ट्रेनों में 3rd AC इकोनॉमिक कोच लगाने का फैसला लिया है। गाड़ी संख्या 121-5556 भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि रानी कमलापति से निजामुद्दीन के बीच में जाती है। इनके अलावा रानी कमलापति से रीवा के बीच में जो रेवांचल चलती है उसमें लगेगा। मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में लगेगा, महाकौशल में लगेगा, जबलपुर अमरावती एक्सप्रेस में लगाया जाएगा, दयोदया एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, जबलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस में भी जोड़ा जाएगा। जबलपुर से श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस में 3rd AC इकोनॉमिक को जोड़ा जा रहा है। इनके अलावा जबलपुर वेरावल ट्रेन में जबलपुर इंदौर ओवरनाइट और सोमनाथ एक्सप्रेस में, इन ट्रेनों में अक्टूबर से 3rd AC इकोनॉमी वाला कोच जोड़ दिया जाएगा। इनके अलावा आपको बताते चलें कि 8 साल के इंतजार के बाद यात्रियों को नई सुविधा मिलने जा रही है। रायपुर से नवा रायपुर के बीच 7 जुलाई से मेमू ट्रेन दौड़ने लगेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए रेलवे मंडल ने तैयारी पूरी कर ली है। बताया गया कि 8 साल का इंतजार खत्म, राजधानी वासियों को मिलेगी नई सुविधा। अधिकारियों के मुताबिक मेमू ट्रेन सबसे पहले मंदिरा हसौद और केंद्र के लिए रवाना होगी। शेष स्टेशनों पर फिलहाल इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि अटल नगर, उद्योग नगर, CBD और मुक्तागन का प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं बन पाया है। इन 4 स्टेशनों का प्लेटफॉर्म बनने के बाद रेलवे यहां पर ट्रेन रोकेगा। केंद्रीय स्टेशन से यात्री उतरकर राजधानी वासी मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय सहित अन्य जगह आसानी से आ जा सकेंगे। रेलवे की कमर्शियल टीम ने यात्रियों की आवाजाही के सर्वे का काम पिछले दिनों ही पूरा कर लिया है। आपको बताते चले कि फिलहाल रायपुर से नवा रायपुर तक मेमू ट्रेन का संचालन किया जाएगा। मंदिर हसौदा से नवा रायपुर तक कुल 21 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। रेलवे ने इस लाइन पर 250-50 मीटर के लंबे रेल पेज बिछाया है। इसमें ज्वाइंट कम है जिससे यात्रियों को धक्के नहीं लगेंगे। ट्रैक की जांच करने के लिए फरवरी महीने में नवा रायपुर से मंदिर हसौद के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाकर ट्रैक की जांच कर ली गई है। जांच में ट्रैक सही पाए जाने पर टीम ने ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। तो फिलहाल एक जानकारी ये निकल के आ रही है कि इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का इन 3 शहरों में से किसी एक शहर के बीच चलाया जाएगा। वहीं जबलपुर से रानी कमलापति
के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ाया जा सकता है। ये विस्तार अगस्त के अंत तक किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल के रास्ते खजुराहो या ग्वालियर या नागपुर, इन तीन शहरों में से कोई एक शहर के बीच चल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बात चल रही थी कि जो जबलपुर से रानी कमलापति के बीच में जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन को रीवा तक एक्सटेंशन किया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, अभी सिर्फ बातें ही चल रही है। तो खैर, बातें तो बहुत चलती है, थोड़ा सा क्लियर हो जाए उसके बाद ही आपको स्पष्ट रूप से बता पाएंगे हम। हालांकि रजनीश कुमार जो कि DRM रतलाम के, उनके द्वारा ये बताया गया कि इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का रैक अभी पूरे दिन भोपाल में खड़ा रहता है, इसका उपयोग करेंगे। इस ट्रेन का विस्तार किन शहरों के बीच होगा ये रेलवे बोर्ड स्तर से ही तय होगा। हम तो कहेंगे कि रीवा से वंदे भारत ट्रेन को ना चला के रीवा से रीवा पुणे ट्रेन को चलाएं, रीवा से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में ट्रेन चलाएं। ये ट्रेन सोने पे सुहागा वाली बात होगी, ट्रेन का रिस्पॉन्स बहुत जोरदार आएगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जबलपुर से तिवारी के बीच में एक ट्रेन को शुरू किया जाए, ये सब पुरानी मांगे हैं जिनको पूरा करना चाहिए। वंदे भारत से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस इन साधारण ट्रेन को चलाने में आएगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन मेट्रो स्टेशनों में ज़्यादा सक्सेस है। जैसे कि बनारस से नई दिल्ली के बीच में जो वंदे भारत ट्रेन चलती है, तो ये ट्रेन का जो रूट है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है और जो बनारस है जो कि बहुत ही अच्छा पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, इस बार इसे दिक्कत नहीं होगी। बस यही थी आज की खबरें, इनके अलावा कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के नहीं आए। तो फिलहाल जुड़े रहिए आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।